शिक्षा शास्त्र में आपका पहला विषय है बाल विकास एवं अधिगम से उसका संबंध। तो आपने विकास शब्द को थोड़ा तो समझा मेरे पिछले वीडियो में, बाल को भी समझा था, पर वो जीन प्याजे के अनुसार दुनिया के तमाम मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री बालक की कितनी अवस्थाओं का अभेद करते हैं वो है। जैसे सबसे पहली शेष अवस्था जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, दूसरी है बाल्यावस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक या 12 तक, और तीसरी आती है किशोरावस्था। तो आपको पहले शेष अवस्था को समझना है, क्योंकि जब तक आप अवस्था को नहीं समझेंगे तब तक आप उस बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, अधिगम के सिद्धांत लागू कैसे करेंगे। इसलिए शेष अवस्था के समझने के लिए आइए चलते हैं इस तरह। शेष अवस्था की आयु क्या है? 5 से 0 से 5 या 6 वर्ष तक। अगली बात क्या है? अब इसमें समझते हैं इसकी कंडीशंस क्या होगी। समय जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु यह बताने में सक्षम होता है कि आवाज कहां से आ रही है, मतलब उसकी श्रवण शक्ति उसकी मजबूत होती है, संवेग उसके काम कर रहे होते हैं, मतलब ये संवेग की ताकत बताई जा रही है इस बात में। अगली बात क्या है? पेशी विकास। अब आपको मान लो पेशी विकास शब्द आ जाएगा, क्या मतलब है इसका? पेशी से मतलब शारीरिक या मांसपेशी, समझ रहे? तो नवजात शिशु की पेशी क्रियाएं, मतलब जो हाथ पैर हिला रहा है वो कैसे होती है ये बता रहे हैं। उद्दीपकों के प्रति स्वचालित एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रियाएं होती है। क्या मतलब इसका? यो उद्दीपक आ गया, स्वचालित आ गया, अनुक्रियाएं आ गया, इनसे घबराइए मत, मैं समझाता हूं। नवजात शिशु है, स्पष्ट है, उसके जो हाथ पैर हैं वो उसके अंदर जो धमनियां हैं मांसपेशियां हैं वो पेशी। तो आपको हाथ से कोई वस्तु उठा नहीं सकता पर हाथ हिला रहा है, तो वो हाथ हिला रहे कहलाएंगे पेशी क्रियाएं। अब वो हाथ क्यों हिलाता है? तो कहा उद्दीपक, जैसे आप उसके सामने गए तो उसने अपने आप का हाथ हिलाया। तो उद्दीपकों के प्रति, जैसे आपको कुत्ते के सामने उसको भोजन दिया तो लात टपकती है क्योंकि उसने उसके लिए भोजन उद्दीपक है, ठीक है। तो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित, जो उद्दीपक उसके सामने गया उसको देख करके स्वचालित, मतलब अपने आप में स्वाभाविक रूप से जो विद्यमान अनुक्रियाएं हैं, आप उसके पास गए स्वाभाविक रूप से उसके हाथ या नजरें आपके ऊपर आ गई, तो ये क्या कहलाएंगी? स्वाभाविक अनुक्रियाएं, ये संचालित होने लगती है नवजात शिशु में। इन तीन शब्दों का ध्यान रखना, पेशीय, उद्दीपक और अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं मतलब एक क्रिया आपने की कि आप उसके पास गए, जस्ट उसके पास आप गए तो उसकी पेशी मतलब मांसपेशियों ने अनुक्रिया कर दी, आपको एक अनुसार आपके ये करने लगा। यह यहां जो अनुक्रियाएं है ना वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त अतिजीवित तंत्र है। अब उसमें ये अनुक्रियाएं कहां से आई कि जैसे आप उसके पास गए उसने हाथ कर दिए या देखने लगा आपको, तो उसे आनुवांशिक मतलब वंश से प्राप्त हुई है, ठीक है। यह पेशी विकास के लिए आधारभूत इकाइयां हैं और ये पेशी मांसपेशी या शारीरिक विकास के लिए वंशानुक्रम या आनुवांशिक रूप से प्राप्त जो तंत्र है वो बहुत आवश्यक है, मैं यहां तक कहूंगा आधार है, ये बिल्कुल वैलिड जानकारी है, वेरीफाइड जानकारी है। अगली चीज देखते हैं, पेशी विकास की और क्या विशेषता है। शिशु में सीखने के अवसर मिलने से पहले प्रतिवर्त अनुकूली तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। अभी प्रतिवर्त क्या है समझते हैं। शिशु में सीखने के अवसर मिलने से पहले, मान लो शिशु सीखने लायक तो है नहीं, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा? जैसे ही वो रिप्लाई करता है आपको तो वो आंखें मटका के करता है, यहां वहां देख के करता है, बस और कुछ नहीं कर पाता है। तो उसका जो रिप्लाई करना रिफ्लेक्स करना है वो ही प्रतिवर्त कहलाता है, ठीक है। तो शिशु में प्रतिवर्त अनुकूलित तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, मतलब उसके सामने कुछ हो रहा है तो उस वातावरण के हिसाब से वो अनुकूलन बिठा रहा है, ठीक है। आप उसके सामने दोनों हाथ ले गए तो उसके हिसाब से उन्होंने अनुकूलन बिठाया और अपने हाथ भी उसने आपके सामने किए, तो जो उसके हाथ को आपके सामने करना है प्रतिवर्त मतलब उसका रिप्लाई करना है। नवजात में पाए जाने वाले कुछ प्रतिवर्त जैसे खांसना, आपको देखकर पलक झपकना, हाथ चलाना, ठीक है, ये प्रतिवर्त कहलाते हैं। आपको प्रतिवर्त समझ में आना चाहिए अच्छे से। अगला देखिए पेशी विकास क्या मतलब है। जब मस्तिष्क विकसित होता है तो शारीरिक विकास ही साथ साथ होता है, जन्म के समय बच्चा के मस्तिष्क बड़ा होता है। मांसपेशी विकास की परिपक्वता के साथ जैसे उसकी मांसपेशियां विकसित होने लगती हैं तो उनकी विकास के साथ या उनकी परिपक्वता के साथ सूक्ष्म कौशलों का विकास भी होता है, मतलब कुशलता आती है उसके हाथों में या शरीर में। कौशल जैसे कौन कौन से कौशल, वस्तुओं को पकड़ने लगता है जैसे उसकी मांसपेशियां पेशी विकास होता है, तो उनके पास पहुंचने लगता है रह करके, घुटनों के बल चलने लगता है, जब उसका क्या हो रहा था पेशी विकास, ठीक है, शरीर के अंदर जो पाए पेशी विकास का और क्या मामला, कुछ अपवादों को छोड़कर शारीरिक या पेशी कुछ भी कह सकते हैं,
जो विकास है अनुक्रम है सार्वभौमिक होता है, मतलब चारों तरफ से होता है, सभी बराबर होता है। अब देख रहे हैं दूसरा एक विकास हो गया शारीरिक विकास है, पेशी विकास। दूसरा कौन सा विकास ऐसा अवस्था में होता है? संवेदी योग्यता या संवेदात्मक विकास। क्या मतलब है इसका? जन्म के समय नवजात शिशु में भय पाया जाता है, डर, क्रोध भी होता है उसमें, दिखाई देने पर होता है, प्रेम, पीड़ा, ये चार संवेग उसमें पाए जाते हैं। आपको याद रखना है ये जन्म से ही पाए जाते हैं बचपन से, ठीक है। अब बोले वो कहां से आए? बोले वंशा में, अनुवांशिक रूप से मिले। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु मां की आवाज को पहचान सकता है, मतलब उसमें संवेदात्मकता आ गई, पहचानने की शक्ति आ गई। उनमें अन्य संवेदी योग्यताएं भी पाई जाती है, माँ को पहचानना जैसे एक संवेदी आ गया, पहचानने की शक्ति आई, और भी शक्तियां उनमें पाई जाती है। और क्या संवेदी विकास कैसे पहचान? नवजात शिशु जन्म से लाल या सफेद रंग में भेद कर सकते हैं, परंतु वे रंग विभेदन में अपूर्ण होते हैं, मतलब जो सारे रंग है उसका भेद नहीं कर सकते, पर वो लाल और सफेद रंग में भेद कर सकते हैं नवजात शिशु। पूर्ण रंग दृष्टि, पूर्ण रूप से रंगों की दृष्टि या उन्हें भेद करना कब आता है? 3 माह तक विकसित होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं संवेदी विकास, और मतलब संवेदी विकास में और चीजें क्या है? अन्य जीवकों की एक प्रश्न बन सकता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने खिलौना आदि ले जाओ, ज्यादा छोटा बच्चा होता तो उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो जो नवजात शिशु होता है अन्य उद्दीपकों की अपेक्षा शिशु जो होता है वो चेहरों को देखना पसंद करता है। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा नवजात शिशु क्या देखना पसंद करता है, अगर खिलौना ऑप्शन होगा तो आप उसे तुरंत क्लिक कर देंगे, नहीं पर वो गलत है। अन्य उद्दीपकों की अपेक्षा, खिलौने आदि की अपेक्षा शिशु किसको देखना पसंद करता है? चेहरों को देखना पसंद करता है। ये बात स्पष्ट हुई। अगला देखते हैं संवेदी विकास और क्या क्या है, मतलब इसका। प्राणों की तुलना में नवजात शिशु की दृष्टि जो होती है वो कम होती है जन्म के समय। एक वर्ष में उनकी दृष्टि प्रौढ़ के जैसी हो जाती है, एक वर्ष में जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसे उनकी दृष्टि एक वर्ष में होती है, पर जन्म के समय नहीं होती है वैसे। और क्या होता है संवेदी विकास में? तो कहा शिशु जन्म से सुन सकते हैं, ठीक है। आयु वृद्धि के साथ में ध्वनि की दिशा का निर्धारण करने की क्षमता में विकास होता है, कि ध्वनि कौन सी दिशा से आ रही है। जन्म के समय दिशा नहीं पहचान पाती कौन सी दिशा से आ रहे हैं, इस तरफ से चिल्लाओगे तो उस तरफ देखेगा, परंतु बाद में वो निर्धारण करने में सक्षम होती कि किस तरफ से आ रही है, परंतु बाद में। शिशु स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जब आप उसको टच करोगे तो वो अनुक्रिया करते हैं, मतलब क्रिया आपने क्रिया की उसके बाद वो क्रिया करते हैं, अनुक्रिया का मतलब क्रिया के बाद क्रिया। वे पीड़ा की अनुभूति भी करते हैं, मतलब संवेदनात्मकता है तभी तो अनुक्रिया भी कर रहे हैं, पीड़ा की अनुभूति भी कर रहे हैं। घृणा एवं स्वाद की क्षमताएं भी उन्हें उत्पन्न होती है, मतलब वो सूंघ भी सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं, जो 5 इंद्रियां है ना उनकी शक्ति उनमें होती है, ठीक है। और क्या होता है संवेदी विकास में? तो कहा प्याजे, जानते हैं जीव प्याजे, उनके अनुसार इस अवस्था में बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों से परे नहीं जाते, मतलब जो उन्हें अनुभव किया उसको पलट कर तर्क नहीं करते हैं, जैसा अनुभव करिए ठीक है जैसा बताया एक्सेप्ट कर लेते इस अवस्था में। अर्थात उन्हें वस्तु स्थायित्व नहीं होता। क्या मतलब? वस्तु स्थायित्व एक बहुत अच्छा शब्द है और इससे प्रश्न बनते हैं। मान लो आप उसके लिए सामने कोई खिलौना ले गए और आपने उस खिलौने को चादर के नीचे छिपा दिया, और तो फिर उसके मन में ये आ जाता है कि ये वस्तु है नहीं, तो उसको ध्यान नहीं देगा, पर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो समझ जाता है कि वस्तु तो है पर वो छपा दी गई, मतलब वस्तु स्थायित्व शुरू में तो नहीं होता है पर बाद में आ जाता है, इसे हम वीडियो से समझेंगे। इसके अलावा संवेदी विकास में और क्या क्या है? शिशु में जो होता है वाचिक संप्रेषण का आधार उपस्थित रहता है, मतलब वो जन्म से ही बोल सकता है, वाचिक संप्रेषण उसमें होता है। हाँ, उसको वो शब्द नहीं दे पाता, जैसे शिशु 3 से 6 माह की आयु तक बबलाने लगता है, रोना के अलावा जो फुसफुसाना बबलाना होता है वो करने लगता है, उसको स्वरीकरण उसका प्रारंभ हो जाता है, और जैसे साल का अंतिम दौर आता है तो माँ दा ऐसे छोटे छोटे सब बोलने लगता है। और क्या होगा इस संवेदी विकास में? शिशु की यह अवस्था संवेदनशील एवं स्नेहिल प्राणों के साथ घनिष्ठ अंतःक्रियात्मक संबंध का प्रथम चरण है। क्या मतलब है प्रथम चरण? मतलब शिशु की जो अवस्था है 1 साल तक वाली, उसमें वो है संवेदनशील, मतलब अच्छे संवेदनात्मक व्यक्ति, और इसने मतलब प्यार करने वाले जिस व्यक्ति है उनके साथ उसका घनिष्ठ और अंतःक्रियात्मक संबंध हो जाता है, मतलब जैसे माँ या पिता के साथ उसका लगाव हो जाता है, उसकी वो क्रियाओं का जवाब देने लगता है, ये उसका विकास का प्रथम चरण यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये हमने देखा संवेदनात्मक और पेशी विकास। तीसरा है सामाजिक विकास।
शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है। आपको लगा जन्म के समय वो घर से बाहर नहीं गया कुछ नहीं है तो वो सामाजिक प्राणी नहीं है, नहीं, जन्म हो गया तो जन्म से ही वो सामाजिक प्राणी है, याद रखना है आपको। वह परिचित चेहरों को बरीता देना प्रारंभ भी कर देता है, जो उसने देखा उनको बरीता देना प्रारंभ भी कर, माँ को अगर उसके पास चार लोग पड़े हैं तो माँ को पहचान जाता है, इसका मतलब वो समाज का व्यक्ति हो गया क्योंकि उसे अपना पराया पहचानने की शक्ति है। वह किलकारी के द्वारा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया भी करता है, क्या मतलब, वह किलकारी के द्वारा अगर माता पिता है तो अच्छे से किलकिलाएगा, प्रसन्न होगा, और कोई और है तो हंसेगा नहीं, मुंह उस तरफ कर लेगा, मतलब माता पिता की उपस्थिति में वो अनुक्रिया करता है, माता पिता आए उन्हें क्रिया की आने की तो उसने पलटकर अनुक्रिया कर दी प्रसन्न होने की। इसके अलावा और क्या होता है सामाजिक विकास में, 6 से 8 माह की आयु के शिशु अधिक गतिशील हो जाते हैं, खिसकने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, माता पिता के साथ रहना है और उसे उनको पसंद करने लगते हैं, माता पिता को साथ रहते भी और उनको पसंद करने लगते हैं 6 से 8 माह की आयु। इसके अलावा सामाजिक विकास में और क्या चीज है, माता पिता मतलब माता पिता भी एक सामाजिक प्राणी है, सब अच्छा से कहा, शिशु माता पिता या देख रेख करने वालों से पुनः मिलने पर मुस्कुराहट या आलिंगन के भाव प्रकट करते हैं, इसका मतलब वो सामाजिक हुआ, उनसे मिलेगा तो उनसे आलिंगन मतलब उनके पास जाने का भाव प्रकट करता है, हाथ ऐसे करता है, मतलब शिशु एवं माता पिता के बीच स्नेह का जो सामयिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति शब्द याद रखना है कि जो माता पिता गए तो बच्चे में आसक्ति हुई है, इच्छा टाइप से हुई कि मुझे अपनी माता या पिता के पास जाना है, ये सामाजिकरण हुआ। और शैशवावस्था की और क्या खास बातें हैं, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। नवजात की ऊंचाई 20 इंच होती है, देखना यहाँ बात समझने लायक है, 20 इंच होती है और कई बार आपको मिलेगा 51 सेंटीमीटर, मतलब क्या है दोनों में 2.54 cm बराबर 1 इंच होता है, इसलिए इंच कहेंगे तो 20 पर सेंटीमीटर कहेंगे 51, ठीक है, आप इसको करेंगे तो लगभग 51 के लगभग आएगा। जन्म समय वजन 9 पाउंड अर्थात लगभग 3 से 3.5 किलो होता है, 9 पाउंड। 4 संदेह होते हैं, कौन कौन से बताए, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। मनुष्य को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा है, सिमन फ्राइड ने, जो एक मनोविश्लेषणात्मक वैज्ञानिक है, बालक का निर्माण काल कहा जाता है, बैरेंटाइन ने कहा है, ठीक है। इसके बाद शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है, दोहराने की प्रवृत्ति इस अवस्था में बहुत होती है, एक चीज को दो बार बोलते हैं। जन्म के समय औसत लंबाई 51 सेंटीमीटर और बालिका की अपेक्षा बालक की लंबाई ज्यादा होती है, आधी सेंटीमीटर की लगभग बालक की लंबाई ज्यादा होती है। 3 वर्ष की आयु में सार्थक शब्द बोलने लगता है, 3 वर्ष की आयु में सार्थक और बड़े शब्द बोलने लगता है, 1 वर्ष में छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है। व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित उसका व्यवहार होता है। इस अवस्था के लिए टॉबल नामक वैज्ञानिक ने केजी मतलब किंडरगार्टन पद्धति का विकास भी किया है, उसका प्रतिपादन किया है। इस पद्धति में खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है और उनके दिमाग का विकास किया जाता है। तो ये हुआ हमारी शैशवावस्था की पूरी, हमने सामाजिक पेच संवेदात्मक और सबसे पहले देखा पेशी या शारीरिक विकास, इनसे क्वेश्चन कई बन सकते हैं। अगले वीडियो में हम शैशवावस्था से संबंधित प्रश्न और उत्तरों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।